सतोशी माइनिंग ऐप के ऊपर हम लोग OEX टोकन की अर्निंग कर रहे थे। अगर आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ OEX टोकन जो है अर्न करके रखे हुए हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप सब लोगों को ये चीज अपडेट पहले ही कर दी थी कि OEX वालों ने 13 डेट का बोला है कि 13 अप्रैल को हम अपना जो एड्रेस है वो लिंक करने के लिए आपको बोल देंगे। उसके बाद आपने अपना OEX का जो वॉलेट एड्रेस है उसको आपने सतोशी ऐप के साथ लिंक कर लेना है, ताकि आपको जब हम पेमेंट सेंड करेंगे तो उसी एड्रेस के ऊपर भेज देंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा प्रोसेस लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको सेट कर सकते हो। बाकी मैं बता दूं यहां पे जो चीज मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई नहीं करूंगा। मतलब आप में से काफी सारे लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, मतलब मैं कोई चीज होती है जो पहले ही वीडियो के अंदर बता चुका हूं तो फिर वही चीज वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पूछ रहे होते हैं। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर हर बंदे को रिप्लाई करता हूं, बट जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो वीडियो के अंदर उस कमेंट का फिर मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसका आप लोग सिंपल आके कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, तो मैं 100% अपनी तरफ से आप लोग को रिप्लाई करूंगा। और गाइस वॉलेट एड्रेस सेट करने में कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने, अगर कोई भी छोटा सा मिस्टेक हो गया तो आपके टोकन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दी थी कि सतोशी माइनिंग ऐप के अंदर जो माइनिंग था, जो हम लोग यहाँ पे OEX टोकन की माइनिंग कर रहे थे, वो बिल्कुल 100% हो चुका है और यहाँ पे माइनिंग अब बंद हो चुकी है। नेक्स्ट OEX टोकन को हम लोग अर्न नहीं कर सकते। और मैंने ये भी आपको अपडेट कर दिया था कि वॉलेट विड्रॉल एड्रेस आपने बाइंडिंग करना है, बट उसके लिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि अभी इनका जो टाइम है 27 अप्रैल तक इनका टाइम है, ठीक है। हम लोग 27 अप्रैल तक वॉलेट एड्रेस वगैरह सेट आउट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट के लिए फुल वीडियो बना दूंगा, ये मैं ऑलरेडी बता दिया हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाकी टेलीग्राम चैनल को अगर आप में से किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सिंपल है, टेलीग्राम के ऊपर जाकर जुनेदता आप हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना और इसको आके लाजमी से ज्वाइन करके रखना अपने पास, क्योंकि छोटी सी छोटी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी अपडेट या न्यूज आती है तो मैं इंस्टेंट के इंस्टेंट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे देता हूं। बाकी गाइस आप में से जिस भाई ने भी अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से यार आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, 100% फ्री है, इसमें आपको कोई पैसे भी नहीं लगने वाले, तो हमारा ये दिल खुश हो जाएगा। तो इसलिए लाजमी से सब्सक्राइब वगैरह कर दो, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं कि कैसे आप लोग को वॉलेट एड्रेस सेट आउट करना है। तो सिंपल है, हम इनकी पहले पोस्ट चेकआउट कर लेते हैं जो यहां पे वॉलेट एड्रेस रिलेटेड आई थी। तो यहां पे देख सकते हो OEX वॉलेट एड्रेस सबमिशन, यहां पे उन्होंने डिटेल जो डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी कि 13 अप्रैल को आप लोग वॉलेट एड्रेस सेट कर सकोगे, एंड अभी भी इन्होंने बोला कि आप लोग 13 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको सेट कर सकते हो। तो ये डेट हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, तो इसलिए हमने मतलब जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से जो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो चीजें वो लाजमी आपने चेकआउट करके तसल्ली करके वॉलेट एड्रेस सेट करना है, क्योंकि जब आप पेमेंट मिलेगा तो जो चीज मैं बताऊंगा मैं उसी चीज का आपको मतलब जिम्मेदार हूंगा कि आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देख के सारा सेटिंग किया होगा तो 100% आपको टोकन मिलने वाले हैं। तो चलिए आप डेट देख लेते हैं। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि आप लोग के सतोशी ऐप टीम इज एक्साइटेड टू अनाउंस दैट स्टार्टिंग अप्रैल 13 यूजर कैन सबमिट देयर वॉलेट एड्रेसेस फॉर OEX विड्रॉल एंड कंप्लीट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन विद इन द ऐप। तो बोल रहा है कि 13 अप्रैल को हमने बोला था कि आप लोग अपना OEX का वॉलेट एड्रेस विड्रॉल के लिए यहां पे सेट आउट कर सकते हो। दिस गाइड प्रोवाइड, ये आपको टोटल जो डिटेल है उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। वॉलेट एड्रेस सबमिशन विंडो मेक योर कैलेंडर, तो यहां पे विंडो डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है, 13 अप्रैल सबमिशन बिगिन है और यहां पे 27 अप्रैल सबमिशन एंड है। मतलब 13 से 27 तक हमने इसी डेट के दरमियान में ही अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको सेट कर लेना है, बाद में हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहां पे बोला बताया है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक वीडियो है, ठीक है, मैं आपको यहां पे वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वीडियो आपने हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, जाकर आपने लाजमी चेकआउट करनी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो यहां पे मैं आपको बता दूं आप लोग यहां पे जो है अपनी वॉलेट एड्रेस की जो सेटिंग है वो नहीं कर सकोगे। सिंपल है, ये वीडियो 9 दिन पहले ही मैंने डाला है, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर अभी भी वीडियो और यहां पे ऐड है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगा सकते हो, कोर ब्लॉकचेन कैसे लगा सकते हो, मेटामास्क के अंदर मैं ये सारी सेटिंग करने वाला हूं। तो आप लोगों ने भी मेरी वीडियो देख के मेटामास्क के अंदर ही सेटिंग करनी है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई और भी वॉलेट एड्रेस लगा सकते हो। बाकी मैं आपको एक और बात भी बता दूं, यहां पे वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि आप बिनांस के अंदर विड्रॉ ले सकते हैं, ओकक्स के अंदर विड्रॉ ले सकते हैं, मतलब एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। तो यहां पे किसी भी एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस आप लोगों ने नहीं लगाना, सिंपल है, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या कोई और वॉलेट यूज कर सकते हो, एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस नहीं लगा सकते हो। ओके, सो मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो पोस्ट की थी उसके नीचे एक दो क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आपको आंसर दे देता हूं क्योंकि काफी सारे लोगों का ये डाउट होगा। पहले तो इस भाई का आप क्वेश्चन रीड आउट करो, ब्रो कोर की ब्लॉकचेन पे OEX ऐड नहीं हो रहा मेटामास्क में। तो सबसे पहला काम आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाकर मेटामास्क को अपडेट कर लेना है, लाजमी से ये काम करके फिर ही सेटिंग करनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है। पहला काम प्ले स्टोर से जाकर मेटामास्क को लाजमी से अपडेट करना है। और गाइज आपने सतोशी माइनिंग ऐप को भी प्ले स्टोर से चेकआउट करना है, ठीक है, अगर वो अपडेट मांग रहा है तो उसको भी लाजमी से आप लोगों ने अपडेट कर लेना है।
और गैस यहाँ पे एक और डाउट है काफी सारे लोगों के माइंड में कि उनका केवाईसी वेरिफिकेशन मतलब फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो गैस आप लोग यहाँ पे मैं तो तीन चार आपको टिप्स दे देता हूँ, उन टिप्स को ट्राई करके आप लोग करना तो आपका केवाईसी आई होप हो जाएगा। पहले तो केवाईसी आप मॉर्निंग के टाइम पे करना, ठीक है, सुबह के टाइम किसी भी टाइम कर सकते हो। उसके बाद आपने अपने फेस के जो है अपने अपने जो मतलब सर है उसके ऊपर कैप पहन के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर भी ना हो तो आप लोग अपने भाई के अपने मतलब किसी भी और बंदे के फेस को जो है दिखाकर वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपसे कोई और डिटेल आईडी कार्ड वगैरह तो मांगते नहीं है, जस्ट फेस वेरीफिकेशन नहीं करना तो किसी भी बंदे का आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ये चीजें आप ट्राई करना, आई थिंक हो जाएगा। ओके सो गाइस हम लोग विड्रो लेने वाले हैं अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी ही मैंने इसकी सारी सेटिंग बताई हुई है, ठीक है, सतोशी माइनिंग ऐप की और इस मेटामास्क की। तो इसलिए मैं आपको अभी भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेटामास्क के अंदर ही पेमेंट लगाओ, ठीक है। पहली बात तो ये आपको यहाँ पे वॉलेट एड्रेस सेट करने से पहले अपने मेटामास्क के अंदर ये कोर की ब्लॉकचेन ऐड करनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग सिंपल इधर क्लिक करके चेकआउट कर लेना, अगर आपके पास यहाँ पे कोर ब्लॉकचेन शो हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे ऐड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कस्टम नेटवर्क के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी यहाँ पे जो है ब्लॉकचेन ऐड करनी है। अब ये जो सारा डेटा है आपको कहां से मिलेगा, ये डेटा ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे आप लोग सर्च बार में आओगे और यहां पे ऊपर सर्च में आप लिख दोगे कोर ब्लॉकचेन, ठीक है। मैं सिंपल ये सारे स्टेप आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, बट मैं इसे जैसे बता रहा हूं ताकि कुछ लोग को डाउट ना रहे और फिर बाद में पूछते रहता है। कोर ब्लॉकचेन आप लोग सर्च करोगे तो यहां पे देख सकते हो कोर ब्लॉकचेन का सारा डेटा यहां पे दिया गया है, ठीक है। नेटवर्क नेम हो गया, आरपीसी यूआरएल, चेन आईडी, ये सारा डिटेल मैंने दे रखा है। ओएक्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने वीडियो आपको दिखाई थी उसी वीडियो के अंदर ये सारी सेटिंग मैंने करके दिखाई थी, तो सेम टू सेम आप लोग के ये वाले वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो सिंपल उस वीडियो को देखकर आप लोग ये सारा डाटा इधर आकर ऐड करोगे, उसके बाद आपकी जो ब्लॉकचेन होगी आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको दोबारा भी दिखाता हूं, ये वीडियो है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप आगे क्या करना है, ठीक है। सिंपल आपने ये चीजें ऐड कर ली, आपने ब्लॉकचेन ऐड कर ली, ठीक है। मेरी ब्लॉकचेन ऑलरेडी ऐड है मेरे मेटामास्क वॉलेट के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप आपको बता देता हूं। ओके तो गाइस जब आपके पास यहाँ पे ऊपर ब्लॉकचेन आ जाएगी कोर की, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोर ब्लॉकचेन आ जाए, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओएक्स टोकन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगा देना है। तो चलिए सिंपल हम क्या करेंगे, अपना जो मेरा पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, सिंपल मैं दोबारा से भी पोस्ट आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कॉपी कर लिया। सिंपल दोबारा करना क्या है, ब्लॉकचेन ऐड करने के बाद सिंपल जो आपने वहाँ से मेटा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे आपने ओपन करना है और यहाँ पे ऊपर आप देख लेना कौन कोर ब्लॉकचेन सेलेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आपको इंपोर्ट टोकन का बटन मिलता है, यहाँ पे हम लोग सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोकन एड्रेस बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल हमने जो एड्रेस अभी कॉपी किया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट आप जैसे करोगे थोड़ा बहुत टाइम लेने के बाद यहाँ पे टोकन सैंपल के अंदर ओएक्स आपको शो करवा देगा, यहाँ पे टोकन डेसिबल भी आ जाएगा। सिंपल आपको इंपोर्ट के यहाँ से बटन क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप लोग जैसे इंपोर्ट करोगे, ठीक है, आपके सामने ओपन ईएक्स का यहाँ पे जो है आपके पास टोकन ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरा भी ऐड था क्योंकि मैंने ये सारी सेटिंग पिछले वीडियो के अंदर आपको बता दी थी। अब ये सारा काम सेट करने के बाद अब आपके पास ओपन ईएक्स का यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, ठीक है। सिंपल आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसीव का बटन क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला एड्रेस। अदरवाइज ये नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप लोग ये जो ऊपर आपको ये शो हो रहा है इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, सेम एड्रेस है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद अब आपको वॉलेट एड्रेस सेट करना है। सेट कहाँ पे करना है, सतोशी माइनिंग ऐप के अंदर। तो आपने अपना सतोशी माइनिंग ऐप ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे इस ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम यहाँ पे मी का बटन क्लिक करना। मी का बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पर्सनल सेटिंग ऑप्शन। इस पर्सनल सेटिंग वाला बटन के ऊपर क्लिक करना। ऑलरेडी अगर आपने अपना यहाँ पे एसेट पासवर्ड लगा रखा है तो ठीक है, अगर आपको याद भी, अगर नहीं है याद तो पहले आपने एसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहां पे अपना जो पासवर्ड है उसको सेट आउट यहां पे करके रखना है। इसको पेमेंट पासवर्ड भी बोलते हैं। ओके सो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग ओल्ड एसेट पासवर्ड लिखोगे, ठीक है। अगर आपको ओल्ड पासवर्ड वैसे चेंज करना चाहते हो, आपको पासवर्ड याद है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको याद भी नहीं है तो सिंपल आपने अगर ऑलरेडी सेट किया था तो आप सिंपल क्या करोगे, फॉरगेट एसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को मतलब एक लिंक भेजा जाएगा, उसके थ्रू आप लोग दोबारा से आके न्यू पासवर्ड यहाँ पे लिख दोगे और न्यू दोबारा से सेम पासवर्ड फिर यहाँ पे लिखोगे और कन्फर्म कर दोगे, आपका यहाँ पे पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या, बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पे ये जो आपको ऊपर शो हो रहा है ना इस सारी सेटिंग्स के साथ, ये एरो का बटन है, इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर लेना। जब इस एरर बटन के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद यहां पे देखो अभी भी नेटवर्क एरर कर रहा है। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला था कि इनका सर्वर डाउन है, तो यहां पे मैं थोड़ा बहुत वेट करता हूं मैं। ओके सो कुछ टाइम लेने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऐप कुछ इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा। मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी है बट मैं सिंपल जो मेथड बता रहा हूँ आपको इजीली समझ आता जाएगा। आप यहाँ पे देखो आपके पास ओएक्स शो होना लग जाएगा। सिंपल आप इस ओएक्स वाला जो बटन है इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप इसको ओपन करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे विड्रो एंड सारे बटन आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो अभी भी थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे बार बार ट्राई करना, आपके सामने सही से बार करने लग जाएगा। आप देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक विड्रो एड्रेस का बटन आ चुका है। तो यहाँ पे हमें अभी जो है अपना वॉलेट एड्रेस जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे सेट करना है।
ओके सो सिंपल, हमें इस जगह के ऊपर ऊपर अपना जो पेमेंट एड्रेस हमने जो कॉपी किया था वो पेस्ट करना है, नीचे अपना पेमेंट पासवर्ड देना है और यहाँ पे जो एड्रेस लिंक का बटन है इस बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम क्या करेंगे कंफर्म कर देंगे। अब कंफर्म करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारी जो जीमेल है उसके ऊपर एक कोड जाएगा। सिंपल हमें यहाँ पे देखो कोड पुट करने की जगह नजर आ रही है, हम सिंपल अपनी जीमेल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जो हमें कोड मिला है उस कोड को सिंपल यहाँ से क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। कोड को कॉपी करने के बाद दोबारा जाएंगे हम दोबारा से सतोशी माइनिंग ऐप के ऊपर और वहाँ पे जाके इस कोड को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एंड कोड को पेस्ट करने के बाद सिंपल क्या करेंगे कंफर्म कर देंगे। हम लोग जैसे ही कंफर्म करेंगे थोड़ा बहुत लोडिंग ले रहा है अभी ऐप, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देखते हैं, अभी मैंने पासवर्ड चेंज किया तो इस वजह से मुझे बोलेगा कि 24 घंटे के बाद आप लोग दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड मतलब अपना पेमेंट एड्रेस सेट कर सकते हो। बस इतना सा काम है, ठीक है। आपको वॉलेट एड्रेस सेट है, अब आपको कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही इनका पेमेंट विदड्रॉ स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली आपकी जो पेमेंट है आपके मेटामास्क वॉलेट मेटामास्क अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगी। सिंपल ये जस्ट काम आपको करके आपको छोड़ देना, बाकी नेक्स्ट कुछ भी अपडेट होगा तो उसके ऊपर मैं 100% वीडियो बना दूंगा। बाकी सारी डिटेल के अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो सिंपल आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको और भी हमारी वीडियोस मिलती रहे। आज की वीडियो के अंदर इतना था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।